नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मजबूरी है तो बोलने को मजबूर हैं अब हम, मंजिल तक पहुंचाते सबको हम हैं परिवहन निगम। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो आम जनता की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं, आम जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, एक हम सफर तो नहीं पर एक साथी का फर्ज जरूर निभाते हैं। अब सर्दी हो या गर्मी, दिवाली हो या होली, रक्षाबंधन हो या ईद, हम अपनी जिम्मेदारी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर पूरी करते हैं। पर जब संसाधन में कुछ कमी रहेगी तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में परेशानी आएगी। हालांकि हम अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं पर काम करना होगा। ये बातें आज सी न्यूज भारत पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ मंडल सत्यनारायण चौधरी ने कही, जब हमारी टीम परिवहन निगम और जनरत बस के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी करने पहुंची। परिवहन विभाग व्यवस्थाओं को समाने वाला और साथ ही साथ लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने की भूमिका निभाने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवहन विभाग के माध्यम से लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचते हैं और सस्ती और सुलभ सेवा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राइवेट की अगर बात करें तो उतनी सेवाएं मिल नहीं पाती है। पर कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं, कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जिनको लेकर लगातार अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उन समस्याओं को सुलझाने का, उन इश्यूज़ को ख़त्म करने का। हमारे साथ मौजूद हैं ARM लखनऊ मंडल के, उनसे जानेंगे कि आने वाले समय में क्या और नीति चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि आपके प्रयास तो हैं पर उन प्रयासों में कहाँ पर और आपको ज़रूरत पड़ रही है जिससे और बेहतर हो सके, उसकी जानकारी लेंगे। सत्यनारायण चौधरी जी, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से जिस हिसाब से मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बहुत जोर तोड़ करके करना पड़ रहा है। चालकों पर चालकों की कमी है, सब संविदा के हो गए हैं जो अनियमित आ रहे हैं, प्रयास कितने भी किए जा रहे हैं लेकिन समय से नहीं आ रहे, जिसकी वजह से समय से सुविधा देने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप तो यहाँ पर लगातार गाड़ी चलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कितनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो रही है, कितना नुकसान यहाँ पर परिवहन विभाग को हो रहा है, जबकि आप उस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी जनरत बसें हैं और ये काफ़ी चल चुकी हैं, जैसे 87 बसें हमारे पास, उसमें लगभग 58 बसें 10 लाख से ऊपर चल चुकी हैं, जिसमें कमियां ज़्यादा आने लगी हैं, तो इनको दूर कराने में दिक्कत होती है, जिसमें कुछ गाड़ियां हमारी जो है खड़ी रह जाती हैं। नीलामी की अगर बात करें, कुछ गाड़ी नीलामी पे होती है, क्या नीलामी की प्रक्रिया भी होगी या उसका प्रयास जारी है? नीलाम की जो शर्तें हैं वो 10 वर्ष या 11 लाख किलोमीटर, तो गाड़ियां तो हमारी लगभग 11 लाख पूर कर चुकी हैं 58 बसें, लेकिन समय उनका पूरा नहीं हुआ है 10 वर्ष, इसलिए हमको इनको चलाना पड़ रहा है, अभी ये 8 वर्ष के आसपास हैं सारी गाड़ियां। एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर बताया कि तकनीकी स्टाफ यहाँ पर कम है, तो इसके लिए क्या कोई व्यवस्था बनाई है, नीति बनाई है, या इसके लिए आपने प्रपोजल भेजा है, क्या उस पर सुनवाई नहीं हो रही है? तकनीकी कर्मचारियों के लिए मुख्यालय स्तर से ITI रखने के सर्कुलर बने हैं, लेकिन ITI में जो मैकेनिकल हैं वो जो रेट है उस रेट पे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो नॉन टेक्निकल मतलब नॉन ITI थे वो रह रहे हैं, लेकिन उनका पैसा 7,000 रुपया 7,500 फिक्स है, जिसके नाते वो भी काम नहीं कर रहे हैं, तो तकनीकी कर्मचारी मिल नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है पैसा भुगतान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर का सुविधाओं की, सुविधाओं को देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, पर अभी भी कौन सी सुविधाएं हैं जो अब तक मुहैया नहीं हो पाई हैं, जिसके लिए अब शुरुआत करने का प्रयास किया जा रहा है? सुविधाओं में जैसे हमारे यहाँ उर्सा में प्लांट तो हैं, सामान भी मिल रहे हैं, लेकिन मैन पावर की कमी है। मैन पावर में ये डिपो टेंडर में हुआ था कि प्राइवेट ठेकेदार काम कराएगा, वो भी नहीं आ रहा है और हमको आदमी अलग से मिल नहीं पा रहे हैं, मैन पावर ही मेन प्रॉब्लम है। एक सवाल और रहेगा, जैसे कोई कर्मी संविदा कर्मी होता है या नियमित कर्मी होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए भविष्य में क्या कुछ प्रावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो संविदा कर्मी होता है वो परेशानी की जड़ में आता है, वहाँ पर परिवहन विभाग का उतना सहयोग नहीं मिलता, हालांकि अपने स्तर पर आप लोग प्रयास करते हैं सहयोग करने का।
दुर्घटना या आकस्मिक कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसमें हम लोग जो है नियमानुसार जो तत्काल राहत देना है वो देते हैं। जैसे हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं या यात्री घायल हो गया उसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक तत्काल हम लोग भुगतान करते हैं। ड्राइवर कंडक्टर के लिए 7.5 लाख का बीमा है, ये भुगतान हो रहे हैं। तो इधर हमारे साथ ARM सत्यनारायण चौधरी का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं सुधारनी है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैन पावर है उनकी बात सामने निकल गई, मैन पावर की कमी ज़्यादा है और यहाँ पर कम वेतनमान होने के चलते अच्छे स्किल्ड इनको लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन स्तर पर इसकी क्या सुनवाई होगी और शासन लोगों की जीविका और लोगों के आवागमन से जुड़ी इस व्यवस्था पर कितना अपनी रूपरेखा बनाकर इस पर फैसला लेगा वो समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि संघर्ष के साथ प्रयास जरूरी है और कम से कम यहाँ पर इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि परिवहन निगम को अगर इस तरह की समस्या जूझना पड़ेगा तो आने वाले समय में परिवहन निगम की स्थिति खराब भी हो सकती है। अधिकारी प्रयास कर रहे हैं पर संसाधन की कमी है, उन संसाधनों को पूर्ण करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कौन निभाएगा समय बताएगा, पर व्यवस्था चल रही है और यहाँ पर चलती ही रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।